नमस्कार, मैं आपके साथ समर खान। आप देख रहे हैं देश विदेश की 12 खबरें। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन मानते हुए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार नॉर्थ एमसीडी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिया कि वे विरोध प्रदर्शन लोगों की संभव भाषणों लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर तुरंत प्रभाव डालें। गुड़गांव के रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे की हत्या पर देश भर आक्रोश के बीच राजधानी मालवीय नगर इलाके में 6 साल के बच्चे के साथ स्वीपर ने किया दुष्कर्म। वारदात संत निंकारी स्कूल के टॉयलेट में हुई, आरोपी पुलिस की हिरासत में है। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। शाहरुख खान के ऑफिस में चला एमबीसी का डंडा, बुलडोजर ने तोड़ा अवैध निर्माण। जीएसटी काउंसिलिंग की आज होने वाली है बैठक में, निर्यातकों के राहत संभव को तेजी से धन वापसी के साथ अनुपालन के संदर्भ में कुछ राहत मिलने की उम्मीद। पूर्व बैठक में जीएसटी नेटवर्क के कामकाज में सुधार का भी आकलन किए जाने की संभावना प्रस्तुत की ये 22वीं बैठक। चीन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है, डोकलाम के नजदीक बनाई सड़क अभी भी बने हुए 1100 सैनिक, उम्मीद है कि सैन्य अभ्यास खत्म होने पर भी यह सैनिक लौट जाएंगे। सीबीआई जांच में लालू ने दिए बेतुके बयान, मामला कथित तौर पर लाल के परिवार की पटना में महंगी जमीन के बदले में रेलवे होटल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अवैध तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को देने से जुड़ा है। जापान में एक महिला रिपोर्टर की ओवरटाइम करने के कारण से हुई मौत, हैरानी की बात यह है कि इस बात का खुलासा उसकी मौत के 4 साल बाद हुआ। 31 साल की मीवा साधो नेशनल ब्रॉडकास्टर में राजनीति कवर करती थी। पाक ने फिर अपनी किधर भपकी दी, विदेश मंत्री ख्वाजा आफिस का बयान, स्वयं खोने पर भारत को मजबूर ना करे। IRCTC डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए रेल टिकट बुक कराने पर आपको जल्द कम भुगतान करना पड़ेगा। सरकार मजे डिस्काउंट रेट चार्ज हटाने पर विचार कर रही है जो IRCTC यात्रियों से लेती है। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं समर खान, आप देख रहे हैं Arrive 24 News।